बेशक अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई की ये दूसरा सीरीज स्टार्ट हुआ है, और इस सीरीज में अगर आप जीएल नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जीएल नहीं कर पाएंगे तो शायद आप मैच को जीएल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के माध्यम से लोगों को फ्री में जीएल की टीम दी जा रही है, और काफ़ी लोग मेरे साथ मिलकर अपना लॉस भी कवर कर रहे हैं। आप भी अगर बिल्कुल लॉस में चल रहे हैं, आपको अपना लॉस कवर करना है, तो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना हो सकता है कि आप हमारे टेलीग्राम से मिसिंग रह जाए। तो बेशक अगर बात की जाए तो मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस मैच में आप बहुत सारा पैसा भी विनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेशक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 करोड़ की मैचेस है, 1 करोड़ आपको यहाँ पर मिलेगा, और 49 की एंट्री है, और यहाँ पर 63% विनिंग की चांसेस बन रही है। बेशक मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि अगर वाकई में आपको जीएल करना है इस मैच को, यहाँ पर आपको डिस्काउंट का जो ऑफर दिखाई पड़ रहा है, अगर आप में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप में नहीं दिखाई पड़ रहा, तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना दूंगा। और बेशक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ प्लेयर के बारे में कि जो प्लेयर आपको 100% इस बार इस मैच को विनिंग करवाने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर के बारे में, उसके बाद में बैट्समैन के बारे में, उसके बाद ऑलराउंडर के बारे में, उसके बाद बॉलर के बारे में। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम फर्स्ट नंबर पर विकेट कीपर की बात कर लेते हैं कि विकेट कीपर में हमें किसको लेना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो विकेट कीपर में यहाँ पर काफ़ी प्लेयर आपके सामने दिखाई पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो बहुत बेस्ट है ईशान किशन को। यहाँ पर पिछले मैचेस में इनको खेलने का मौका मिला था, लेकिन जो है सारा डिटेल मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पिछले मैचेस में उन्होंने 20 ही रन दिया था, बाकी का मैच रिस्पांस नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार इनकी 100% चांसेस बन रही है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इनको ट्राई कर सकते हैं। ये लास्ट में आपको बताऊंगा इनको क्या करना चाहिए, कैप्टन और वॉइस कैप्टन किसको बनाने में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर बैटिंग के लिए अगर बात की जाए तो शिखर धवन भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि देखा जाए तो ये भी बहुत से मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन इस बार में अगर बात की जाए तो पिछले मैचेस में कोई खास इनका रिस्पांस नहीं था, लेकिन इस बार इनका रिस्पांस बहुत तगड़ा बनने वाला है, तो आप इनको ले सकते हैं। सुरेश लैयर की अगर बात कर ले तो फ्रेंड्स इनको भी आप यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी पिछले मैचेस में आप यहां पर रिस्पांस यहीं से देख सकते हैं कि इन्होंने 78 ही पॉइंट दिया था, जिसमें 50 रन ही फाइनल किए थे, और इसमें 8 चौके मारे थे, छक्के का कोई काम ही नहीं था, यहाँ पर इन्होंने एक कैच भी फाइनली अपडेट किया था। बैटिंग में आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप बैटिंग के लिए बहुत अच्छा इनको समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते वाले हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो नेक्स्ट प्लेयर जो आपके सामने यहाँ पर है वो बहुत गजब का प्लेयर है, तो ऋतुराज गायकुंडे को आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि पिछले मैचेस में कोई खास रिस्पांस इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इस मैचेस में इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पांस बनने वाली, तो आप इनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर अगले बैट्समैन के बारे में। तो अगला बैट्समैन जो आपके सामने यहाँ पर हम पिक के लिए हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन जेनमेन मलान को यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्योंकि पिछले कई मैचेस में इनको चांसेस नहीं मिला था, पिछले सीरीज इन्होंने खेला था जिसमें कोई खास रिस्पांस नहीं दे पाए थे, तो वैसा का आप इनको यहाँ पर ले सकते हैं। जो आपके सामने हमने कुछ प्लेयर को यहाँ पर पिक कर चुका है, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक प्लेयर और हम लेना चाहते हैं, जो कि इस बार हम यहाँ पर 4 प्लेयर यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेविड मिलर को आप ट्राई कर सकते हैं, पिछले मैचेस में अच्छा किया खेला था, इस मैचेस में कुछ रिक्सी दिख रहा है, तो आप इनको ले सकते हैं। सरदू ठाकुर और वसंत सुंदरे को आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इस बार काफ़ी अच्छे फॉर्म में आने वाले हैं। अब यहाँ पर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे ऐसे बॉलर्स यहाँ पर हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो इंटरेस्टिंग बॉलर है वो आप लुंगी निधि को आप यहां पर ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बॉलर ये भी है। यहां पर फर्स्ट बॉलर को हम यहां पर चॉइस कर चुके हैं, और उसके बाद में हम यहां पर बात कर लेते हैं फिर अगले बॉलर के बारे में, कुलदीप यादव के बारे में। कुलदीप यादव को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बॉलर है, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉलर है किशोरी रबडा, इसको भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो बेशक आपका जो बॉलर है वो आपका परफेक्ट हो चुका, मैंने 4 बॉलर यहाँ पर आपके सामने ट्राई कर चुके हैं, जो कि चारों बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैप्टन किसको बनाएं, वॉइस कैप्टन किसको बनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कैप्टन यहाँ पर आई किशन को आप ले सकते हैं, जो इस बार बहुत अच्छे फॉर्म में आने वाला है। वॉइस कैप्टन आप इनको ले सकते हैं, जो कि बहुत फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा रिक्सी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन आप इसको भी रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वॉइस कैप्टन आप यहाँ पर इनको रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे ये भी हैं। तो वैसा का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को विजिट करना, लाइनअप के बाद आपको टीम मिल जाएगी।